आलेखन बनाना बताऊंगी। 24 कूड़े 16 सेमी के आयत में कालीन के लिए आलेखन। सबसे पहले हम इसको मन चाहे भागों में विभाजित कर सकते हैं। बच्चों इसे आप 2 इकाई में भी बना सकते हैं और 4 में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे आपको 2 इकाई में बनाना बता रहे हैं। यह आपके लिए 2 इकाई में आलेखन बनेगा। इसे आप 4 भागों में इस तरह से बराबर बराबर विभाजित कर सकते हैं। अब हम आपको 4 भागों में बनाना बता रहे हैं। बच्चों यह डिजाइन इस ढंग से भी आप बना सकते हैं। और आपकी डिजाइन जब ट्रेस हो जाएगी तो इस ढंग से तैयार हो जाएगी। ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगी आपकी। यह कालीन के लिए उपयुक्त डिजाइन हो सकती है। और इसे अगर हमें 4 भागों में नहीं बनाना है तो हम इसे रेस करके फिर से आपको इसमें दूसरे ढंग से डिजाइन बनाना बता रहे हैं। यह कालीन के लिए उपयुक्त है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ बराबर भाग इसके करके और यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे। इतना बॉर्डर छोड़ के हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। बच्चों इसके बीच के भागों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। बच्चों यह डिजाइन इस ढंग से आप बनाएंगे। अब हम इसमें आपको इस ढंग से हम आसान और कलर करने में आसानी रहेगी। ऐसे डिजाइन बनाएंगे सिंपल तरीके से।
यह डिज़ाइन आपकी कंप्लीट हुई। यह डिज़ाइन आप इस तरफ ट्रेस करिएगा और इसे बनाइएगा। आप इसे ट्रेस करके इस भाग में ही आप बनाएंगे ये डिज़ाइन और इसे तीन भागों में तीन रंगों से आप कलर करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दृश्य चित्र बनाना बताऊंगी।